भारतीय किसान यूनियन असली अराजकता ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजा। भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ता मंडी समिति में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर बाइक रैली निकालते हुए मंडी फाटक द्वारा चौक आजाद रोड रोडवेज माल गोदाम रोड बदायूं चुंगी होते हुए तहसील परिसर स्थित उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। मांगों में भारतीय किसान यूनियन असली अराजकता के किसानों की वीनस चीनी मिल मजाबरी द्वारा पेराई सत्र 20 दिसंबर तक का ही भुगतान किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने वर्तमान प्राय सत्र शुरू होने से पहले ही समस्त भुगतान करने का वादा किया था। अतः ब्याज समेत पुराने सत्र का भुगतान कराया जाए तथा मौजूदा प्राय सत्र का भुगतान गन्ना एक्ट के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। वीनस शुगर मिल द्वारा बड़े पैमाने पर गन्ने की अवैध खरीदारी की जा रही है, इसके कारण किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य नहीं मिल पाता तथा गन्ना समिति का कमीशन भी नहीं मिल पाने से गन्ना विभाग को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। गन्ने की अवैध खरीदारी को रुकवाकर गन्ना एक्ट के हिसाब से गन्ना खरीद सुनिश्चित कराई जाए। सोमवार को चंदौसी मंडी समिति में उपयुक्त समस्याओं को लेकर किसानों की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान अगर 10 नवंबर तक नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन असली 11 नवंबर को उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में जयवीर सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, किशन पाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, शिव सिंह, आशिक राजा, महक सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रताप सिंह, रवि शर्मा, जाकिर हुसैन, ओम प्रकाश राणा, ऋषि पाल सिंह, मनोज, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। किसानों ने ज्ञापन दिया है, आप पे कई सारे आरोप लगाए, क्या कहेंगे उसमें? इसके बारे में चूंकि मैं सुरक्षा बैठक बैठक था लखनऊ अभी आया हूँ, तो मेरे बारे में जानकारी हुई है। अब इसके खिलाफ कल से लग करके मैं जांच कराऊंगा, अगर अवैध खरीद होती है उस खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कह रहे हैं अवैध धंधा वहाँ लिया जा रहा है और आपकी निगरानी में? अभी चूंकि सुरक्षा बैठक में था, इसके बारे में संज्ञान मुझे अभी हुआ है। अब मैं जा करके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ जाँच करूँगा। दो दिन के लिए मैं कल से लगता हूँ, अगर मिलती है, अगर अवैध गन्ने खरीद मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं ऋषिपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव भागू असली। हम लोग कहते कहते बहुत दिन हो गए, ये बेईमान मिल है, 2007 का पेमेंट नहीं दिया इसने। मेरा मिल का नाम है बीनस शुगर मिल मजावली, ये अपने संभल में है। और इसमें गन्ना भुगतान देने को, गन्ना देने को किसान मना कर रहे थे, लेकिन गुलाबो देवी जी ने, तीन तीन मंत्रियों ने कहा हमारा मिल है, हमारे विश्वास पर गन्ना डालिए। किसान इतना भोला है कि विश्वास में आ जाता है, फिर गन्ना किसानों ने गन्ना दे दिया। इन्होंने जो कहा 20-21 का भी भुगतान नहीं किया। अब हमारी मांग है कि पहली वायदा तो गुलाबो देवी जी का था कि हम भुगतान दिलवाएंगे, वो भुगतान दिलवाए हैं, तीनों मंत्री दिलवाए हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भुगतान नहीं देगा उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया। जिला गन्ना अधिकारी बेईमान बैठा है, वो इसकी सपोर्ट करता है, वो हटाया जाए, हमारी पहली मांगी है। वो बेईमान अधिकारी जो गन्ना अधिकारी है वो मेन रूप से वही सारी फ्रॉडिंग करा रहे हैं। अगला हमारा ये है कि भुगतान के साथ साथ ये नकली कोटों से फर्जी गन्ना खरीद रहा है, तो सारे क्षेत्र को मालूम है, पूरा पार से पूरे जितने मिले हैं सबका गन्ना 250 रुपये में, 200 रुपये में खुलेआम खरीद रहा है। कोई किसी की कार्रवाई इस पर नहीं होती, क्योंकि ये मिल मालिक इतना बेईमान है। पहले सारा 50 करोड़ हमारा जो का पेमेंट ले गया यहाँ से, इसने जा कर के क्या बनाए, पहले अस्पताल बनाए, अब स्कूल बना रहा है, और इतना बड़ा माफिया सरकार के साथ खड़ी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, क्यों नहीं किया जा रहा? कहाँ सो रहे आप प्रशासन जिले का, यहाँ का कहाँ सो रहे उत्तर प्रदेश का शासन? ये क्यों नहीं गन्ना भुगतान कराया जा सकते? क्या हराम का पैसा है? किसान अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे, किसान अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, किसान इतना परेशान है अपना कपड़ा नहीं खरीद पा रहा, किसान आज फुटपाथ पर आ गया है, लॉकडाउन में कोई कमाई नहीं उसकी, धान की फसल उसकी मारेगी टोटल बेचारे की, गन्ना उसका बचा था वो औने पौने दामों में बेच दिया, 2007 का पेमेंट भी नहीं दिया गया है, क्या उसके घर दिवाली नहीं मना सकता किसान? कितना पेमेंट है आपका? 50 करोड़ तो अभी भी पेमेंट करे बैठा है, पिछला भुगतान तो और ज़्यादा है, पिछले भुगतान के तो अभी 10-10 लाख लोग रुपये इनके जो का एक एक आदमी के हैं, कोई भुगतान नहीं मिला है। आज हम मांग कर रहे हैं कि यदि हमारा भुगतान नहीं दिया गया तो हम 10 तारीख में इस गन्ना मंत्री के पुतले फुकवाएंगे गांव-गांव, पूरे उसमें अपने मंडल में और देश भर में, और इसके बाद भी गन्ना भुगतान नहीं कराया गया तो हम 11 तारीख के लिए तालाबंदी करेंगे मुरादाबाद गन्ना आयुक्त के। हम आंदोलन, निर्णायक आंदोलन करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़के लेंगे पाई पाई का नारा ही नहीं दिया है, हमने कमर कस ली है, इस बेईमान मिल की हवा निकालेंगे, और यदि ये बेईमानी करता है तो ऐलान करेंगे कोई भी किसान बैंक का नहीं देगा, क्योंकि जब सरकार बेईमानों से नहीं लेगी किसानों का शोषण करेगी, किसानों मुकदमे, उसमें तीन महीने का बिल जमा नहीं कर पाया तो उसमें FIR, बेचारे पराली जा रही तो FIR,
कहीं से बालू ले आता है भाई यार, एक डाली मिट्टी डलवाई तो भाई यार, सारी एफ आई आर होंगी उसमें। उसको इतना गुलाम बना रखा है किसान, जो देश का मालिक है, जो अपना वोट डालता है, जो एमपी देता है सबसे ज़्यादा, जो परिश्रम करता है, जो अन्न पैदा करता है, उसको उसका शोषण होगा। और जो बेईमान बैठे हैं इसी में, जो किसान को लूट रहे हैं, उन्हें मेहमानी कराएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनका शेयर इनमें है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब किसान निकल आया, समझ गया भाकू असली का जन्म हो गया है। भाकू असली नहीं थी तब तक लोग बेचते रहे, कुछ भी करते रहे। अब हमने संकल्प लिया है कि बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और इन बेईमानों को सबक सिखा के अपना गलेमान पकड़ के लेंगे, अपना 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 हक लेंगे, अपना हक लेंगे, अपना हक। हम किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, हम ईमानदार हैं। सबसे बड़ा साधु है कोई तो किसान है, सबसे बड़ा कोई संत है तो किसान है, सबसे बड़ा कोई योगी है तो किसान है, सबसे कोई ईमानदार कौम है तो किसान है। आज किसान के 700 लोग खत्म हो गए बॉर्डरों पे, कोई प्रधानमंत्री चूतक नहीं कर रहे, संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे। जवान हमारे गलवान घाटी में मर गए, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहा। ये किसानों को और जवानों को मारने का षड्यंत्र है। हम किसानों और जवानों को न मरने देंगे। हम खुद खड़े हैं 80% लोग, अब हम जाग गए हैं। चोर जब तक डकैती डालता रहता है, जब तक हम जागते नहीं है, जो जाग गया तो सारा चोर भाग गया, और चोर को भगाएंगे और जनता को जगाएंगे। मेरा नाम महक सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन असली का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। क्या कहेंगे आज की मांगों को लेकर? सरकार ने ये वायदा किया था कि पेराई सत्र आरंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से पुराने गन्ने का बकाया मूल भुगतान करा दिया जाए, लेकिन बड़ा अफसोस है कि संभल जिले में जो ये बीनस मिल है, इसने पिछले साल का केवल 20 दिसंबर तक का भुगतान किया है और पूरे सीजन का भुगतान पिछला बाकी है और मिल चल रही है, तो यहाँ पे भुगतान क्यों नहीं करा रही सरकार? इसी बात को हम लोग लेके आए हैं आज कि सरकार भुगतान कराए, बीनस मिल ने भुगतान नहीं किया, मैं ब्याज के भुगतान कराया जाए, और उससे पिछला भी भुगतान कुछ बाकी है, 2007 का भी है, 2007 का।